Hello friends, welcome back to my YouTube channel Biology with Hitesh Raghuwanshi. Dear friends, in this video we are going to study about one of the autosomal recessive disease, that is sickle cell anemia. So without wasting time, let's get started. Here in the very first line it is written that this is an autosome linked recessive trait. तो आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बता ही चुका हूं कि ऑटोसोम्स क्या रहते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं. ह्यूमन बींग्स के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, जिसमें से कि 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स रहते हैं, यानी एक्स एक्स के पेयर्स रहते हैं. बाकी जो 23rd है वो हेट्रोक्रोमोसोम का हो, उसको चाहे सेक्स क्रोमोसोम का हो, वो रहता है मेल के अंदर एक्स वाई, फीमेल के अंदर रहता है एक्स एक्स. तो क्यों ना बात कर लें ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट के अंदर. कुछ ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट रहते हैं, कुछ ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट डिसीज या ट्रेट कहें हम. तो क्यों ना हम पेडिग्री के अंदर भी ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज पढ़ते हैं. तो चलिए एक बार मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दे ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज के बारे में. देखिएगा दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है कि ऑटोसोम रेसेसिव डिसीज. ऑटोसोम रेसेसिव डिसीज के अंदर क्या होता है कि जनरेशन स्किप कैन बी सीन इजीली. यदि हम कैपिटल ए कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे हैं तो वो पेरेंट्स या चाइल्ड क्या होंगे, नॉर्मल रहेंगे. या स्मॉल ए से तो डिसीज्ड. कैपिटल ए ए होमोजाइगस पेयर है तो नॉर्मल. कैपिटल ए स्मॉल ए यानी हेट्रोजाइगस है तो वो कहलाएगा कैरियर, या फिर हम कह देंगे नॉर्मल. साथ ही साथ स्मॉल ए ए रहेगा तो वो कैसा होगा, पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, डिसीज्ड होगा. तो ये तो होमोजाइगस डोमिनेंट है ना. कैपिटल ए ए नॉर्मल, कैपिटल ए स्मॉल ए हेट्रोजाइगस तो कैरियर या नॉर्मल, और ये होमोजाइगस रेसेसिव है तो डिसीज्ड कहलाएगा. तो याद रखना है जनरेशन स्किप कैन बी सीन इजीली किसके अंदर, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज के अंदर. और ये हम पेडिग्री चार्ट के अंदर, पेडिग्री एनालिसिस के अंदर भी देखेंगे. चलिए और आगे सेकंड पॉइंट देखते हैं. क्या लिखा हुआ है कि बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल, दे हैव डिसीज्ड चाइल्ड, दे कैन हैव, फोकस करना है. यदि दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हों तो उनके उनका बच्चा कैसा हो सकता है, डिसीज्ड, बीमारी से ग्रसित हो सकता है. जैसे कब होगा ये, दोनों पेरेंट्स कैसे हों, नॉर्मल या फिर हेट्रोजाइगस, या फिर कह दें हम कैरियर, क्योंकि अभी हमने ऊपर ही देखा था हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स कैसे होंगे, कैरियर कहलाएंगे. ये जो सिंबल है ये मेल का सिंबल है और ये फीमेल का. जब मेल और फीमेल, जब हेट्रोजाइगस मेल और हेट्रोजाइगस फीमेल के बीच में क्रॉस किया तो हमको ऑफस्प्रिंग कैसा मिल सकता है, डिसीज्ड मिल सकता है या नॉर्मल भी मिल सकता है. तो यहीं पे इसे ऐसा ही लिखा हुआ है कि ये बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल, जब दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हो दे कैन हैव डिसीज्ड चाइल्ड. आई होप सो इट इज क्लियर टू यू फ्रेंड्स. बात करते हैं, बोथ पेरेंट्स आर डिसीज्ड, दे कैन नॉट हैव नॉर्मल चाइल्ड. यदि दोनों पेरेंट्स को क्या है, बीमारी है, तो वो उनके उनका बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता. इसे लिखा हुआ है कि बोथ पेरेंट्स आर डिसीज्ड, दे कैन नॉट हैव नॉर्मल चाइल्ड. चलिए देखते हैं कैसे. देखिए यहां पे लिखा हुआ है स्मॉल ए मतलब डिसीज्ड पेरेंट, डिसीज्ड मेल पेरेंट क्रॉस विद डिसीज्ड फीमेल पेरेंट, स्मॉल ए है ना. अब दोनों का क्रॉस किया तो जो ऑफ स्प्रिंग जो बच्चा बनेगा वो कैसा रहेगा, इट विल ऑल्सो बी सफर्ड फ्रॉम डिसीजेस. तो याद रखना है कि बोथ पेरेंट्स आर सफर्ड फ्रॉम डिसीज, देन दे कैन नॉट हैव अ नॉर्मल चाइल्ड. और यहाँ पे याद रखने की बहुत अच्छी ट्रिक बता दे रहा मैं, अभी आपको पेडिग्री भी समझा दूंगा एक, ठीक है. इसको समझने के लिए बहुत अच्छे से समझ में जाएगा. यदि कोई पेरेंट कैसा है, नॉर्मल पेरेंट है, तो नॉर्मल पेरेंट में हमेशा चाइल्ड कैसा रहेगा, ऑटोसोमल डिसीज्ड चाइल्ड रहेगा उसका. रेसेसिव पेरेंट, देखो नॉर्मल पेरेंट की अगर हम बात कर लें, देखो ऑटोसोमल रेसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज पहचानने का एक आसान तरीका मैं आपको बता दूं. तो जब भी कोई नॉर्मल पेरेंट्स रहेंगे ना, तो नॉर्मल में आर बड़ा लिखोगे आप, तो नॉर्मल पेरेंट हैं और डिसीज्ड चाइल्ड है, नॉर्मल पेरेंट हैं और उनका अगर बच्चा डिसीज चाइल्ड है तो कैसा, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज कहलाएगी. वो क्या कहलाएगी, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज. यदि डिसीज्ड पेरेंट्स हैं, डिसीज बीमारी से ग्रसित पेरेंट्स हैं, तो उनका यदि नॉर्मल चाइल्ड है तो वो क्या कहलाएंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट
डिसीज। अगली बात समझ में, ऑटोसोमल रेसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज का पता कैसे लगाना, बहुत बहुत आसान है। यदि नॉर्मल पेरेंट है और बच्चा कैसा है, डिसीज्ड है, तो ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज होगी। ठीक है, यदि डिसीज्ड पेरेंट है और नॉर्मल चाइल्ड है तो डोमिनेंट पेरेंट होगा। यहाँ पे नॉर्मल में आर बड़ा बना दिया तो रेसेसिव और डी में डोमिनेंट, बहुत आसान है, याद रखना है। चलो एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज्ड की मैंने यहाँ पे पेडिग्री बना दी है। मान लो दो हेट्रोजाइगस नॉर्मल पेरेंट्स हैं, दे माइट बी कैरियर और हम कह दें नॉर्मल पेरेंट्स हैं, तो इनकी जो ऑफ स्प्रिंग है वो कैसे हैं, कैपिटल ए ए होमोजाइगस नॉर्मल है, ठीक है, और स्मॉल ए स्मॉल ये डिसीज्ड है, रेड कलर से मैंने लाइनिंग बनाई है। ये चाइल्ड जो है वो कैसा है, डिसीज्ड है। ये मेल चाइल्ड जो है, स्क्वायर ब्रैकेट बना हुआ है, मेल है, और ये सर्कुलर बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद रखना है ये मेल कैसा है, नॉर्मल है, ये फीमेल कैसी है, डिसीज्ड है। अब इनका इनका फीमेल है, ये फीमेल का आगे शादी हुआ, ये क्रॉस हुआ इससे, ठीक है, वो याद रखना है। यहाँ पे ये क्या है, ये फीमेल कैसी है, डिसीज्ड है, और यहाँ पे ये मेल कैसा है, नॉर्मल है। तो हमको एक बात याद रखना है, इस पेडिग्री को हम कैसे पहचानेंगे, हमने साफ साफ देखा था, हमने पढ़ा था कि नॉर्मल पेरेंट को यदि डिसीज्ड चाइल्ड हो तो ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज होती है। ये देखो, नॉर्मल पेरेंट्स को यदि डिसीज्ड चाइल्ड हो, तो ये भैया पेरेंट्स क्या है, नॉर्मल हैं, और दो डिसीज्ड चाइल्ड आपको साफ साफ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहा है इस पेडिग्री के अंदर, तो सीधी सी बात है ये पेडिग्री कैसी हो गई, ऑटोसोमल रेसेसिव पेडिग्री हो गई। तो याद रखना है ऑटोसोमल, क्योंकि नॉर्मल पेरेंट्स को डिसीज्ड चाइल्ड है तो ये पेडिग्री है ऑटोसोमल रेसेसिव, ठीक है। चलिए फिर दो चार एग्जाम्पल और देख लीजिए, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं तो क्यों ना फिर पूरा अच्छे से ही पढ़े। ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो आप आगे भी पढ़ोगे। इस वाली वीडियो के अंदर हम सिकल सेल एनीमिया तो पढ़ ही रहे हैं, और एक पेडिगरी में मैंने आपको ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज समझाई दी है, एग्जाम्पल समझाई दी ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज का। तो सिकल सेल एनीमिया हो गया, अगला सिस्टिक फाइब्रोसिस, एल्बिनिज्म, फिनाइल कीटोनूरिया और एल्केप्टोनूरिया, ये सारी की सारी डिसीज हमारी आने वाली वीडियोस के अंदर हम पढ़ेंगे ही दोस्तों। तो याद रखना है ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज के कुछ एग्जाम्पल। इस वाले केस में क्या होता है, नॉर्मल पेरेंट्स को यदि डिसीज्ड चाइल्ड है तो वो ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एल्बिनिज्म, फिनाइल कैप्टोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया एज वेल एज एल्केप्टोनूरिया। चलिए फिर आते हैं मेन टॉपिक पे। लिखा हुआ है सिकल सेल एनीमिया इज अ ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट। तो ये बात कितने अच्छे से समझ ली हमने, ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट मतलब नॉर्मल पेरेंट्स को जब डिसीज्ड चाइल्ड होता है तो वैसी बीमारी ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज होती है। तो याद रखना है कि सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पार्टनर्स आर कैरियर फॉर द जीन और हेटरोजाइगस। तो हमने साफ साफ देखा है कि ये बीमारी ऑफस्प्रिंग्स में कब ट्रांसफर होती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जब पेरेंट्स कैसे हों, हेटरोजाइगस हों या क्या हों, कैरियर हों, ठीक है। अभी हमने देखा ही हेटरोजाइगस को ही हम क्या कहते हैं, कैरियर, या फिर हम क्या कह देते हैं, नॉर्मल पेरेंट्स। तो याद रखना है इट इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। कब पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में कब ट्रांसमिट होगी, जब दोनों पार्टनर्स कैसे हों, कैरियर हों उस जीन के लिए। लिखा हुआ द डिसीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील, एक एलील के एक ही पेयर से कंट्रोल, ये बीमारी जो है एलील एक ही एलील के पेयर से कंट्रोल होती है, दैट इज HBA एंड HBS। तो चलिए बहुत सारे लोगों को आई होप सो पता ना हो कहीं एलील क्या होता है, तो चलिए पढ़ रहे हैं तो फिर क्यों ना एलील के बारे में भी थोड़ा बहुत कुछ देख लें। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन विच मे बी सिमिलर और डिससिमिलर बट लोकेटेड ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। ये देखिए दो होमोलोगस क्रोमोजोम का एक पेयर बनाया है मैंने यहाँ पे, एक होमोलोगस क्रोमोजोम का पेयर ये बना हुआ है। अब यहाँ पे मैंने कुछ जीन्स लिख दिए, देखो ए कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल ई, इस वाले में कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल ई।
अब ये दोनों तो क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर है। अब हमने अलील में क्या होता है, एक बार और देखो। अलील इज ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन विच मे बी सिमिलर और डिसिमिलर बट लोकेटेड ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे कि यहां पे मैंने अलील दिखा हुआ है ना, एक ही लोकेशन पे है। यदि यहां तीन जीन है तो ये ऊपर दोनों ऊपर ही ऊपर है ना, कैपिटल ए कैपिटल ए, तो होमोलोगस क्रोमोसोम में वो सेम पोजीशन पे लोकेटेड होना चाहिए, चाहे वो फिर कैसे हो, सिमिलर हो या फिर डिसिमिलर हो, पोजीशन सेम होनी चाहिए, याद रखना अलील के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स में। तो देखो कैपिटल ए कैपिटल ए ये अलील है, क्या कैपिटल ए कैपिटल जी और स्मॉल ई होमोलोगस होंगे क्या, नहीं। दे आर ए क्या एलीलिक होंगे क्या, नहीं, नॉन एलीलिक होंगे। अब ये दो अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल पी, ये दोनों कैसे कहलाएंगे, नॉन एलीलिक कहलाएंगे। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन विच मे बी सिमिलर और डिसिमिलर बट लोकेटेड ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, है ना। तो ऑल्टरनेटिव अलील, अलील क्या होता है, अलील जो है एक एक जीन की दो अलग अलग फॉर्म्स हैं जो होमोलोगस क्रोमोजोम्स पे सेम पोजिशन पे होनी चाहिए, चाहे वो देखने में कैसी हो, सिमिलर हो या फिर डिसिमिलर हो। Alleles located on homologous pair of chromosome at same loci, locus or location. Alleles हमेशा homologous pair पे एक ही location पे क्या होते हैं, present रहते हैं। लिखा हुआ है non-allelic genes can be located on homologous or non-homologous pair. जो non-allelic genes है ना वो homologous वो होमोलोगस और नॉन होमोलोगस पेयर पे प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे नॉन एलिलिक की बात कर रहे हैं ना, दो अलग अलग होमोलोगस पेयर हैं, दिख रहा है ना, एक ये और एक ये, इन दोनों के बीच में भी तो नॉन एलिलिक क्या है, जीन्स प्रेजेंट है कि नहीं, दिख रहा है। इसीलिए लिखा हुआ है नॉन एलिलिक जीन्स कैन बी लोकेटेड ऑन होमोलोगस और नॉन होमोलोगस पेयर। तो आई होप सो फ्रेंड्स, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि अलील्स क्या होते हैं। अलील्स होते हैं ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन जो कि सिमिलर और डिसिमिलर हो सकते हैं बट लोकेटेड होना चाहिए सेम पोजीशन पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर। चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं सिकल सेल एनीमिया की। लिखा हुआ है कि द डिसीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील, एक ही एलील का एक ही पेयर कंट्रोल कर रहा है, वो है HBA एंड HBS। आउट ऑफ द थ्री पॉसिबल जीनोटाइप, जीनोटाइप्स क्या होते हैं, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जीनोटाइप, और एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात करें उसको हम फिनोटाइप कह देते हैं। तो जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आउट ऑफ द थ्री पॉसिबल जीनोटाइप ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल्स फॉर HBS दैट इज HBS शो द डिसीज फिनोटाइप। यानी जब कोई सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित पेशेंट होगा तो उसके अंदर HBS और HBS यानी होमोजाइगस होंगे वो इंडिविजुअल्स, उनके जीनोटाइप्स के अंदर कैसा रहेगा, होमोजाइगस कैरेक्टर प्रेजेंट होगा, HBS HBS होगा, जब भी वो क्या कहलाएंगे, सिकल सेल एनीमिया के पेरेंट्स कहलाएंगे। हेट्रोजाइगस यानी HBA और HBS, HBA HBS इंडिविजुअल अपीयर अपेरेंटली अनअफेक्टेड बट दे आर द कैरियर ऑफ द डिसीज एज देयर इज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द म्यूटेंट जीन टू द प्रोजेनी दस एग्जिबिटिंग सिकल सेल ट्रेट। मतलब जो कैसे हैं हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स मतलब HBA और HBS शो कर रहे हैं, तो उनके अंदर वो कैसे कहलाएंगे, या तो हम उनको नॉर्मल कह दें या हम उनको क्या कहलाएंगे, कैरियर कहलाएंगे। उनके अंदर 50% प्रोबेबिलिटी रहती है डिसीज की। आई होप सो आप सभी को समझ में आ रहा होगा, होमोजाइगस HBS HBS तो वो तो डिसीज्ड है ही है, ठीक है। बाकी जो हेट्रोजाइगस हैं HBA और HBS तो इनके अंदर 50% प्रोबेबिलिटी रहती है डिसीज ट्रांसमिशन की। चलिए फिर आगे बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया सिकल सेल एनीमिया के बारे में, तो आप लोगों को मेनली इस चीज़ पे फोकस करना है। More than enough. In this video, we are telling you about sickle cell anemia. More than enough. तो याद रखना है, देखो, the defect is caused by the substitution of glutamic acid by valine
at the sixth position of beta chain, beta globin chain of the hemoglobin molecule. ये NCERT की line है, बहुत ज़्यादा important है. क्या लिखा हुआ? The defect is caused by the substitution of glutamic acid by valine at the sixth position of beta globin chain of hemoglobin molecule. मतलब बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर सिक्स्थ पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस करके क्या आता है? वैलिन. और ये ग्लूटामिक एसिड और वैलाइन क्या है? दे आर अमीनो एसिड्स. तो याद रखना है कि बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर सिक्स्थ पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है? वैलिन आ जाता है. तो ऐसी डिसीज के अंदर हम क्या कहते हैं? सिकल सेल एनीमिया. देखो एक आध चीज और देख लें, यहां पे लिखा हुआ है ग्लूटामिक एसिड और वैलिन, ये दोनों के दोनों क्या है? अमीनो एसिड. और कुछ न्यूक्लियोटाइड्स, जो चार न्यूक्लियोटाइड रहते हैं मेनली, एक तो एक्स्ट्रा है. वो देखो दो तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एक तो होते हैं प्यूरिन. क्या होते हैं? प्यूरिन. प्यूरिन के अंदर एजी, आपको याद रखना है तो बोलो एजी, प्यूरिन एजी. तो एडिनाइन और ग्वानिन, प्यूरिन के अंदर क्या आ गए? ए और जी, एजी यानी एडिनिन और ग्वानिन. पायरिमिडिन की यदि हम बात कर लें तो इसके अंदर हम तीन मान के चलते हैं, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल. थायमिन टी, साइटोसिन और साथ ही साथ क्या आ गया? यूरेसिल. तो तीन हो गए ना यहाँ पे पायरिमिडिन के अंदर. तो याद रखना है न्यूक्लियोटाइड्स हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड है. और याद रखना है कि जो ए एडिनिन है, एडिनिन हमेशा दो बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ, और ग्वानिन जो है साइटोसिन के हमेशा साथ में कितना बॉन्ड बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड. ए हमेशा टी के साथ, ए टी डबल बॉन्ड बनता है और जी सी ट्रिपल बॉन्ड बनता है इन दोनों के बीच में. तो आई होप सो आप सभी को ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर छठवीं पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है तो सिकल सेल एनीमिया होता है. अगला लिखा हुआ है द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड इन द ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट ड्यू टू द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन एट सिक्स्थ कोडोन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन फ्रॉम जी ए जी. जी ए जी क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड. और जी यू जी क्या होता है? वैलाइन होता है. ठीक है, वैलिन होता है. तो याद रखना है कोडोन कितने रहते हैं वो हम बात कर लेते हैं. कोडोन क्या होते हैं वो भी देख लो. चलो एक शॉर्ट में देख ले रहे. अगर हम स्टार्ट कोडोन की बात कर लें, स्टार्ट कोडोन अग होता है, अग ए यू जी अग. मिथ्योनिन, मिथ्योनिन जो है ए यू जी अग, कोड्स फॉर मिथ्योनिन और इट इज अ स्टार्ट कोडोन या इनिशिएटर कोडोन कहते हैं ए यू जी को. ठीक है, अग इज द इनिशिएटर कोडोन. इफ जी यू जी इज फर्स्ट कोडोन, किसी सीक्वेंस के अंदर यदि जी यू जी पहला कोडॉन है, देन इट एक्ट एज अ स्टार्ट कोडॉन. याद रखना है स्टॉप कोडॉन तीन है, यू ए ए, यू ए जी, यू जी ए. और इनके कलर की अगर हम बात कर लें तो ओकर, अंबर और ओपेल. ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों कि जो मिथ्योनिन है वो ए यू जी को कोड करता है, स्टार्ट कोडॉन है. यदि जी यू जी फर्स्ट कोडॉन के रूप में प्रेजेंट है तो स्टार्ट कोडॉन माना जाएगा. साथ ही साथ स्टॉप कोडॉन तीन होते हैं, यू ए ए, यू ए जी और यू जी ए. ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना है हम लोगों को. चलिए फिर एक बार फिर से अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं. तो यहां पे ये लिखा था कि कोडॉन जी ए जी से जी यू जी में चेंज हो रहा है. जी ए जी जो था वो किसके लिए? ग्लूटामिक एसिड के लिए है. जी ए जी ग्लूटामिक एसिड के लिए, और जी यू जी किसके लिए है? वैलिन के लिए. और वैलिन जी यू जी अगर फर्स्ट कोडॉन के रूप में प्रेजेंट है किसी सीक्वेंस के अंदर तो ये इनिशिएटर कोडॉन है हमारी वीडियो में. ठीक है, आगे बात कर लेते हैं. लिखा हुआ है द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगो पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द चेंज इन द शेप ऑफ द आरबीसी फ्रॉम बाइकॉनकेव डिस्क. याद रखना है नॉर्मली जो आरबीसी का शेप रहता है वो बाइकॉनकेव डिस्क लाइक रहता है टू इलोंगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर. तो इस वाले केस में जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रहते हैं उनके अंदर क्या हो जाता है? ऑक्सीजन की कमी होती है, और उस ऑक्सीजन की कमी के वजह से जो आरबीसी का शेप रहता है वो बाइकॉन के डिस्क लाइक से क्या हो जाता है? इलोंगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर. सिकल लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? हंसिया.
या फिर जिससे हम सब्जी काटते हैं, जो लोग गांव में नॉर्मली जो लोग जिनने देखा हो शिकल शेप्ड, जिस तरह हम वुमेन्स कैप्सूल की बात करते हैं कि उसका शेप भी कैसा रहता है, शिकल शेप्ड रहता है, उसी तरह यहाँ से यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया के अंदर अफेक्टेड इंडिविजुअल्स में सिकल शेप्ड क्या हो जाता है, आरबीसी दिखते हैं। अब ये क्या है सिकल सेल एनीमिया, इट इज ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। ये पॉइंट म्यूटेशन का भी क्या है, एक एग्जाम्पल है, हमको याद रखना है। इन इट ट्रांसवर्जन म्यूटेशन, इस वाली केस के अंदर ट्रांसवर्जन म्यूटेशन देखा जाएगा, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। और ये क्या बताता है, इट शो पीलियोट्रॉपी, लिथैलिटी और कोडोमिनियंस। आने वाली जेनेटिक्स की वीडियोस के अंदर हम सारी चीजें समझेंगे, बट आप यहाँ पे अभी याद रखिए ये क्या क्या शो करता है, पीलियोट्रॉपी, लिथैलिटी और कोडोमिनियंस को भी शो करेगा। यदि हम मॉलिक्यूलर बेसिस पे इसकी बात कर लें तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड रहता है। ये सीक्वेंस में देखिए, जब पहले क्या था, जी ए जी था, जी ए जी ठीक है, और जी यू जी था ठीक है। तो जी ए जी जो है वो ग्लूटामिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जी यू जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वैलिन को। तो सिक्स्थ पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाएगा, वैलिन आ जाएगा, याद रखना है, बीटा चेन सिक्स्थ पोजीशन। बात कर लें एच बी एस, एच बी एस होमोजाइगस जो रहेगा इंडिविजुअल, जब होमोजाइगस रहेगा तो सिकल सेल एनीमिया डिसीज्ड हुआ, और ये क्या शो करेगा, लीथलिटी। बात कर लें एच बी ए, एच बी एस ये कैसा हो गया, हेट्रोजाइगस, या हम इसको नॉर्मल कहें हेट्रोजाइगस, 50% कैरेक्टर शो करेगा। तो सिकल सेल ट्रेट देखेंगे इसके अंदर, और ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। आरबीसीज कैसे हो जाएंगे, नॉर्मल आरबीसीज प्लस सिकल शेप आरबीसी, दोनों तरह के आरबीसी देखे जाएंगे इसके अंदर। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी इसके अंदर, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा इसके अंदर, कम हो जाएगा। अब हीमोग्लोबिन पोलीमराइजेशन के अंदर अगर हम बात कर लें तो देखिए, वन इफेक्ट, मेम्ब्रेन कैसी हो जाएंगी, रिजिड हो जाएंगी ठीक है, शेप कैसा हो जाएगा, शिकल शेप हो जाएगा आरबीसी का। तो मलेरिया रेजिस्टेंस याद रखना है, सिकल शेप्ड मतलब सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड इंडिविजुअल्स के अंदर कौन सी कैपेसिटी आ जाती है, मलेरिया रेजिस्टेंस रहते हैं वो ठीक है। तो मेम्ब्रेन रिजिड हो जाती है, शेप कैसा हो जाता है, शिकल शेप। कैपिलरीज कैसी हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा, साथ ही साथ सिकलिंग बढ़ जाएगी, यानी टिश्यू सेल डेथ बढ़ जाएगी, टिश्यूज की डेथ बढ़ेगी। लाइफ स्पेन 90 डेज हो जाएगा। स्प्लीन जिसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, उसके अंदर क्या होगा, हीमोलिसिस यानी ब्लड का डिस्ट्रॉय होगा, ब्लड डिस्ट्रॉय होगा। एनीमिया की बात कर लें, अर्ली डेथ ऑफ आरबीसी, आरबीसी जल्दी जल्दी टूटेंगे और हीमोलिसिस होगा। लीवर की अगर हम बात कर लें तो लीवर के अंदर बाइलीरुबिन जो पिगमेंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जॉन्डिस देखा जाएगा ठीक है। कोडॉन देखो, क्या कोडॉन क्या लिखा हुआ है, कोडॉन की बात कर लें कि कोडॉन इज अ सीक्वेंस ऑफ 3 DNA और RNA न्यूक्लियोटाइड्स ठीक है, दैट करस्पॉन्ड विद अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड और स्टॉप सिग्नल ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल आर रिटन इन अ लैंग्वेज ऑफ 4 न्यूक्लियोटाइड्स, जिसको हम क्या क्या न्यूक्लियोटाइड हम 5 पढ़ते हैं, ए टी जी सी, देखो एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल ठीक है। मीन वाइल द लैंग्वेज ऑफ प्रोटोन इंक्लूड्स, प्रोटीन्स इंक्लूड 20 अमीनो एसिड, टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितने हैं, 20 हैं। चलिए कोडोन के लिए तो इतना ही काफी है, कोडोन ट्रिपलेट रहते हैं, कोडोन के ऊपर हमारी एक सेपरेट वीडियो आएगी चैनल के अंदर। आई होप सो दिस इज मोर देन इनाफ फॉर सिकल सेल एनीमिया। आई होप यू विल लाइक माई दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज as well as friend, if you have any queries, suggestions or comments, do comment in the comment section below. So it's all about my today's video. So चलिए एक बार फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार। डायग्राम शोइंग नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स एज वेल एज एबनॉर्मल सिकल्ड रेड ब्लड सेल्स। डायग्राम अगेन शोइंग नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स एज वेल एज एबनॉर्मल सिकल्ड रेड ब्लड सेल्स। थैंक्स।